ढोल गवार सूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी और पति है, जो ऐसी ऐसी चीजें अपनी बीवियों से परोसवा वो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर बोल। हेलो एंड वेलकम टू कारांस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं सुबह से सोची थी ब्लॉग शूट करूँगी, तो मैंने पूजा वगैरह का ब्लॉग थोड़ा सा शूट किया था एंड उसके बाद बस ऐसे ही गया दिन, अच्छा ही था। एंड मैं आज मालती चौहान की जो मौत के आगे की कहानी है, मैं कुछ वीडियोस अभी देख रही हूँ जस्ट बिकॉज छोटा बेबी एंड क्या था मैटर क्या नहीं था उसके आगे का मैंने देखा। तो मैं देख रही हूँ कि इसमें कई बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, जैसे कि बीना जी हैं, एक महिला विकास की मंच की हैं कोई, और मैंने एक नीवा जी हैं उनका वीडियोस मैं देखती थी, मतलब एंकरिंग करती हैं वो, रिपोर्टर हैं तो उनका वीडियोस भी मैं देखी। तो सबकी क्या राय है, सब लोग क्या बोल रहे हैं कि किसकी गलती है, और विष्णु राज का क्या हुआ, किधर है वो, उसको जेल होगी कि नहीं होगी, पूरी फैमिली की होगी कि नहीं होगी, एंड ये उनका बेटा युवराज कहाँ है। तो सबसे पहले मैं युवराज के बारे में आपको बताती हूँ कि युवराज शायद उसके ननिहाल में गया है और उसकी मासी के पास और नाना मामा के पास है। एंड वो जो है बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको लोग 10 रुपये 5 रुपये का बिस्किट 10 रुपये पैसे दे रहे हैं ऐसे, और उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। तो 10 रुपये 5 रुपये दे के आप क्या दिखाना चाहते हैं, उसका इतने में क्या ही उसका भविष्य होगा, उसको इंसाफ दिलाओ, उसको सही जगह पहुँचाओ। और उसके नाना की भी ज़्यादा एज नहीं है, एंड मतलब ज़्यादा एज है तो वो कितने दिन है, और बाहर कहीं कमाते हैं बेचारे, तो वो कहाँ क्या रखेंगे कैसे रखेंगे भगवान ही जाने, पता नहीं। उसके मायके वाले तो कुछ दिखते भी है ससुराल वालों का, तो मुझे ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है कौन कौन है उसकी ससुराल में, क्योंकि ये सेपरेट ही रहते थे। एंड बीना जी जो हैं तो वो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर बोल रही थी कि उसकी वजह से ही मतलब मौत हुई है इसकी, क्योंकि उन लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे लाया, मतलब उसकी बातों को। तो अब आप फिर से एक औरत के पीछे आप लोग भी पड़ रहे हो, वो भी कहते हैं कि कायरता में मरी है, कि क्योंकि वो मतलब बेइज्जत हो रही थी, उसकी बदनामी हो रही थी, तो वो इस उससे मर गई है या मर्डर हुआ है। लेकिन अब गोरखपुरिया भौजी को भी टारगेट करने लगे लोग, अगर सामने वाला और कोई, हालांकि वो इतनी कमज़ोर नहीं है, है वो जैसी भी है पर इतनी कमज़ोर नहीं है, वो स्ट्रांग लेडी लगती है। एंड जो मतलब जो प्रॉब्लम लगती है वो किधर है वो मैं बताती हूँ आप सभी को, मैंने जो ऑब्जर्व किया। सो हमें क्या लगता है वो मैं अपनी राय देती हूँ, अपनी मतलब जो मैंने उसकी वीडियोस कुछ देखी उसके थ्रू जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब उसको लोग, उसका पति जो बोलता है कि इतनी बदनामी के बाद मतलब वो घर पे लाया था, तो पहली बात तो बदनामी तो उसकी पहले भी हो रही थी, जिस टाइप की वो वीडियोस बनवा रहा था तब उसकी इज्जत नहीं जा रही थी। अभी उसकी गलती थी तो तू या तो लाता नहीं, और अगर लाता तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाता, उसकी लड़ाई उसका पति खुद लड़ता। क्योंकि अगर दुनिया बोलती है चीज़ें तो आप सह सकते हो, लेकिन जब आपका खुद का पति आपको बदनाम करता है और वो आपको इंसल्ट करता है सोशल मीडिया पे, तो आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। और उसको कहीं ना कहीं वो हर एक वीडियो में बोलती थी कि मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे किसी से नज़रें मिलाऊंगी, और वही चीज़ें उसके साथ हुई, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो आपको अपनी मर्यादा में रह के करनी चाहिए, पैसे के लिए व्यूज़ के लिए ऐसे नहीं गिरना चाहिए। हमारे रामायण में एक चौपाई है, गवार सूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसका लोग बहुत ही ज़्यादा गलत मतलब निकालते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ नारी की बात हो रही है तो मैं नारी के लिए एक्सप्लेन करूँगी, इसका अर्थ मुझे अच्छे से आता है और अच्छे से पता है। तो जो यहाँ पे नारी को ताड़ना का अधिकारी बोला गया है, वहाँ पे ये बोला गया है कि आप अपनी नारी को सम्मान दें, अपनी नारी के ऊपर हमेशा नजरें
ताड़ना का अर्थ है ध्यान रखना, देखना, ना कि पीटना या मारना। ताड़ना का अर्थ अलग अलग है, जहां भी जो शब्द है अलग तो अलग उसको तरीके हमारी से। सीता माता भी थी तो वो लक्ष्मण राम जी चलते थे, बीच में हमारी सीता माँ रहती थी और पीछे राम जी रहते थे, तो हमारे यहाँ सम्मानजनक नारियों को रखा गया। तो पहले तो आप भी उसके लिए उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे उतारे, इतनी गंदी गंदी चीजें, उसको ऐसे ऐसे डांस करवाए ऐसे ऐसे गानों पे, एंड जब उससे कोई गलती होती है तो आप उसको सोशल मीडिया में गलत तरीके से रखते हो। तो जैसे उसको वेशभूषा दोगे, जैसे उसको मतलब आप प्लेटफॉर्म दोगे, उसी तरह तो उसका दिमाग होगा। अगर आप उसको अब्यूज के लिए ऐसे कर सकते हो तो उसकी बात को आप संभाल भी सकते थे, किससे गलती हुई है इसको मैं अच्छी तरीके से संभालू। ये पूरी गलती मुझे विष्णु राज और अर्जुन वर्मा की लग रही है, क्योंकि इन्होंने एक लड़की की, एक औरत की जान ले ली, एक छोटे से बच्चे की माँ को छीना है इन लोगों ने, सिर्फ उसको बेइज्जत करके इन्होंने इतना गंदे तरीके से किया है। और दूसरी बात रही, हमारे रामायण में तो ये चीजें सिखाती है, हमें चीजें अच्छी हो कैसी हो ये सिखाती है, और एक इधर हमारा संविधान है जो सबसे ज्यादा संविधान का इस्तेमाल यही लोग करते हैं, ये लोग संविधान का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, आप कुछ भी कर सकते हो, वो चीजें है। अच्छा है कि संविधान अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अति पार करने के लिए संविधान नहीं बना हुआ है। हर चीज को एक लिमिट तक रखोगे तो मतलब इन लोगों को ऐसे लगने लगा है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारा संविधान ये कहता है, हमारा संविधान वो कहता है। तो अगर आप संविधान को थोड़ा सा भी जानते हैं, थोड़ा ढंग से जानिए और अपनी मर्यादा में रहिए, संविधान के साथ साथ अपने जो ग्रंथ है, अपने जो रामायण है, अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो संस्कृति सभ्यता है हिंदू धर्म में, वो भी सीखिए थोड़ा सा, तो शायद आज किसी की जान नहीं जाती। गलती हो सकती है, सबसे होती है लाइफ में, हर किसी से गलती होती है, लेकिन अपनी मर्यादा क्रॉस करेंगे तो ऐसे ही हाल होगा, एक नहीं हर किसी का होगा। और इतने गंदे गंदे यूट्यूबर हैं यूट्यूब पे, जो कि आज वही जो बीना जी हैं, उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम लिया, मैं देख रही थी और मैंने उनका वीडियो फिर देखा, बाप रे बाप क्या ही है वो लोग, कैसे कैसे लोग हैं और उनके कैसे नाम, मतलब क्या बोलूं मैं, कैसे कायर पति है जो ऐसी ऐसी चीजें अपनी वीडियो परोसवाते हैं। और जो अच्छी लड़कियां हैं, जो अच्छी लेडीज हैं, जो यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं, इन सब की वजह से उनका भी मतलब हौसला रुक रहा है, उनको भी लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से उनको वीडियोस बनाना बंद करना पड़ेगा, उनको नहीं मतलब छूट नहीं मिलेगी। और हम लोग अगर कुछ करते हैं, जो सभ्य परिवार की लड़कियां औरतें होती हैं, अगर वो कुछ करती है तो वहां पे हर चीज, स्पेशली मैं बताती हूँ, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं एक बार दो बार एडिट करती हूँ, इसीलिए शायद मैं उतनी ग्रो नहीं हुई, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि मेरी मतलब मेरी लाइन क्या है, मुझे कहाँ तक जाना है। सो मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहती हूँ बट मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि वही बातें हैं कि ज़्यादा एक्सप्रेस करूँगी तो मैं ही गलत लगूँगी, इसलिए मैं यही बताऊँगी कि आप लड़कियाँ ही अगर किसी से लव मैरिज करती हैं, भाग के शादी करती हैं और जो भी करती हैं, और फिर आप पैसे के लिए कुछ भी दिखाती हैं, वो सब बंद कीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए और अच्छा काम करिए, डांस करिए, गाना गाइए, अच्छी बातें हैं, भोजपुरी में भी गाने हैं बहुत हैं, लेकिन इस तरीके से मत करिए कि आप लोगों को ही लास्ट में उसका मतलब भुगतान करना पड़े, अपनी जान के साथ, अपने बच्चे के साथ आपको नष्ट करना पड़े, ऐसी चीजें बंद करिए प्लीज। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ तो मैं उस नन्हे से बच्चे को देखती हूँ कि किस तरीके से वो इधर उधर भटकता है और कैसे उसको बिस्किट खिलाया जा रहा है, उसको चॉकलेट खिलाया जा रहा है, दो चार दिन वीडियोस में लोग दिखा देंगे, बाद में उसका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, प्लीज इस पे विचार कीजिए। और इसमें पॉलिटिकल चीजें भी चल रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, अगर किसी को कुछ सजा भी मिलती है तो जस्टिस तो उस बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माँ भी गई बाप भी जाएगा तो उसके साथ पता नहीं क्या ही होगा, और रिलेशन तो उनके मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छे थे ससुराल में या मायके में। तो जो भी है, जैसा भी है, आप लोग खुद ही वीडियोस वॉच कर रहे होंगे, मैंने अपना ओपिनियन दिया है और एक दायरे में रह के दिया है, क्योंकि उससे आगे का मुझे आता नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।